आप सबको विनती है, घर पे रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाना अच्छा खाइए, परिवार के साथ रहिए और गवर्नमेंट की बात जरूर सुनिए, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट की बात सुनना बहुत है। मैं आपसे विनती करता हूँ, एंड सोशल डिस्टेंसिंग, थैंक यू। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। इटली के अंदर एक बुजुर्ग 93 इयर्स का हॉस्पिटल से ठीक होकर जब बाहर निकल रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक दिन का वेंटिलेटर का बिल देना है 5,000 रुपया। उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया तो डॉक्टर बोला, क्यों आपके पास पैसा नहीं है? बोला, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन आज एक बात का एहसास हुआ है मेरे को कि मुझे भगवान का कितना बड़ा बिल देना है, जिसने सारी जिंदगी मुझे फ्री का सांस लेने का मौका दिया। आज देखो वेंटिलेटर के लिए भी मुझे सांस लेने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ रही है। ये बात मेरे दिल में बहुत गहरी तरह बैठ गई कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल जब जाते हैं फिर सोचते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें और अपनी लाइफ की कीमत समझें। स्टे एट होम। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए, और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं नाना पाटेकर। मैं समझता हूं इस वक्त हम सबको हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा पंथ भूलकर सरकार के साथ सहकार्य करना होगा। इतनी बड़ी आपत्ति के साथ सरकार अकेली लड़ नहीं सकती, हमें हमारी जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम और पीएम निधि के लिए नाम फाउंडेशन के माध्यम से 2 चेक भेजे जाएंगे 50-50 लाख के। आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे अहम बात यह है कि अब घर के बाहर मत निकलिए। इस वक्त घर में रहना ये सबसे बड़ी देश सेवा है, बस इतना कीजिए। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अभी सुबह सुबह मैंने एक ऑडियो सुना तो मुझे बहुत उसमें कुछ चीजें बड़ी सेंसिबल और बड़ी अच्छी लगी। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके और सभी मुख्यमंत्रियों से ये जो है निवेदन है कि इस ऑडियो को अगर अपन सब लोग सुन के कम चिंतन तो कर सकते हैं, और उसमें इस बहाने कुछ चीजें जो अच्छी हैं उनको अगर धारण करेंगे तो बहुत सारी चीजों पर विजय हासिल हो सकती है। और मेरी पूरे देशवासियों से, पूरी दुनिया से यही प्रार्थना है
कि बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। इस समय को जो समय आपको घर में बैठने का मिला है इसका सदुपयोग कीजिएगा। We as a community are responsible for ensuring that those who have tested positive receive all our love and care and don't feel any stigma. Take all the necessary precautions, but don't make them feel unwanted. We must practice social distancing, but we shouldn't isolate them from our society. We can win this war against coronavirus only by supporting each other and knowing the right thing to do. Ram Ram. यो वीडियो मैं स्पेशल हरियाणा वाले खातर बनाऊ हूँ कि भाई बहन ताऊ काका सारे घर रहो। यो प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू ना है, ये हमारी सबकी भलाई के लिए है। दुनिया में महामारी फैली हुई है, इसमें के करोगे? सारा दिन घर रहना मुश्किल हो जाए। बड़े बुढ़ा थे गुजारिश है कि भाई थोड़े दिन ताश और हुक्का बंद कर दो, थोड़ी सेहत भी सुधर जाएगी, थोड़े फेफड़े फिर तक काम कर लग जाएंगे। और जे बोर होंदे हो तो अपने पोत्या ने द्योत्या ने बालका ने कहानी बताओ, राग बताओ, रागणी बताओ, गीत बताओ, इसी चीज़ बताओ जो ये तकनीक ते आने ते पहले के होया करता। मारा कल्चर, मारी सभ्यता क्या है, क्योंकि मारे लिपि कौन है, लिखन वाली बात कौन है, तो मारा भी किते ना किते मारी संस्कृति मरती जा है। तो यो 21 दिन का मौका है, एक दूसरे ने बात बताओ और बालकों बड़े बूढ़े की सुनो, उनते सवाल पूछो, उनके वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, कई काम हो सके हैं। और अपनी माँ ते भाभी ते उनकी तकलीफ पूछो, क्यों कर उनकी मदद कर सको हो। रांडे बने मत आंडो, घर ते बार मत लिकड़ो। बस यो एक गुजारिश है, थारे भाई की एक बात सुन लो, और जय लिकड़ोगे तो हरियाणा पुलिस वाला ने स्प्रे मार कर लठ राख रखे तुमने करेगी सीधा। पर इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, अपने घर आ रहो, घर की बात, घर की अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में सीखो, बताओ, एक दूसरे के साथ मिल के रहो, पर घर में रहो। राम राम, जय हिंद। तो जब मैं छोटा था ना, मैं सोच रहा था, तो हम बहुत गरीब थे, मतलब छोटे से घर में रहते थे, बहुत सारे लोग एक छोटे से घर में थे, पिताजी क्लर्क वगैरह थे। सारी स्टोरी मैं आपको 10,000 बार सुना चुका हूँ, आज क्यों सुना रहा हूँ। तो हम उस घर में बड़े खुश रहते थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है ना, तो सबसे सस्ती चीज़ जो होती है ना वो खुशी होती है। तो आजकल जो हालात है ना, सबसे जो खुशी वाली चीज़ है वो मन की शांति। अपने मन को ये समझा लो कि जो हो रहा है ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, या जो मेरे हालात हैं आज से पहले वो अब ठीक हो जाएंगे, या जो अगर ज़िंदगी मेरी कष्ट में गुजरी तो इतना कष्ट और इतनी घबराहट तो कभी भी नहीं थी। अब कितने ही परेशान थे, कितने ही बुरे हाल थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी घबराहट नहीं थी। लेकिन ऐसी घबराहट में, ऐसी परिस्थिति में हम डील कर रहे हैं सब, और डील कर रहे हैं संयम के साथ, धैर्य के साथ। तो मतलब कि जो बुरा वक्त होता है अगर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, उसको मान ले, तो बुरा होता ही नहीं है। बुरा तो आपको शक्ति देता है, वो तो आपको संयम देता है, वो तो आपको धैर्य देता है, वो पेशेंस देता है। तो फिर बुरे वक्त से क्यों डरना? बुरे वक्त से नहीं डरना चाहिए, इस बात का एहसास इस बुरे वक्त ने हमको सिखा दिया है। क्योंकि हमारे पास इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी सारी शक्ति चली गई है, इसलिए हम बुरे टाइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम प्लेजिंग माय सपोर्ट टू आत्मा तत्व रिसर्च सेंटर एंड गिव इंडिया.org।
in their initiative, Corona Se Corona, which is a preventive care drive that they have started against the coronavirus. They would be helping about 60,000 individuals spanning 100 villages across the Raigad district in Maharashtra. So log on to the site below and donate generously. चलते हुए बहुत सी जाने गई हैं पूरे वर्ल्ड में और अभी भी इसका कहर जो है वो हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे वो भारत की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं या फिर अमेरिका, इटली या स्पेन या फिर किसी भी देश की बात करूं। तो हम सब इंसानों को इस समय एकजुट होना चाहिए, इकट्ठे होके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। और आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, www.donatecorona.com पे जाइए, जो आपका मन करता है वहां पे जाके आप अपने तरफ से डोनेट करिए, ताकि वो किसी भी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा जो है वो काम आ सके। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारों के साथ रहिए, आपकी सरकार जो हिदायतें दे रही हैं उसको सुनिए और बाहर ना निकलिए घर से। तो होपफुली हम सब मिलके इस कोरोना को पूरे वर्ल्ड से भगा देंगे। और मैं तीन जो मेरे दोस्त हैं उनको भी नॉमिनेट करना चाहता हूं अगली वीडियो बनाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। एक वसीम अकरम, उनको मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा, शोएब अख्तर को नॉमिनेट करना चाहूंगा और युवराज सिंह को नॉमिनेट करना चाहूंगा मैं। शाहिद अफरीदी, वेरी वेल डन, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब। और जितने भी लोग इस काम